नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली के पूजन में क्या क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप कुछ दिन पहले, यानी कि जो भी पर्व रहे उसके कुछ दिन पहले क्या क्या लगता है ये बता दें, तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर लें। तो उनको मैं बोली कि मैं पूजा करके दिखाई हूँ दीपावली का, आप उसको सर्च करके देखें। तो बोले नहीं, पूजा की अलग बात होती है, हम पूजा घर सर्च करके देखेंगे। तो हम लोग पूजा करना सीखते हैं, लेकिन सामान क्या क्या लगता है आप वो बताएं। तो पिछले साल भी मैं प्रयास करी थी लेकिन नहीं हो पाया था, तैयारी हुई थी पर शूटिंग नहीं हो पाई थी। तो इस साल हम आपको बताएंगे बेसिक चीज़ें कि दीपावली में क्या क्या लगता है। तो जो हम सामग्री इकट्ठा कर सकें उसको करें हैं, कुछ सामग्री हमको भी नहीं मिल पाई है। और अगर आपको भी नहीं मिल पाए तो मन में आप खिन्नता या मन में कमी न महसूस करें कि एक चीज़ नहीं है तो माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होगा, ऐसी नहीं है। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है, श्रद्धा भक्ति से आप कुछ भी चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी उसको स्वीकार करेंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो चलो दिखाती हूँ कि दीपावली पूजन में क्या क्या लगता है और मैं क्या क्या इकट्ठा करी हूँ। तो ये है सप्त दीपदान, ये सात दीपों का यह समूह तैयार करी हूँ। तो ये दीपदान है जो कि माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है, शुद्ध घी का दीप। तो इसी तरीके से तैयार कर लें और जो चौकी रहेगी उस चौकी पर ये दीपदान करेंगी। तो आम की लकड़ी की चौकी, उस पर बिछाने के लिए वस्त्र, केले के पत्ते, जो कि हमारे पास केले के पत्ते नहीं है, लकड़ियों की चौकी सब है, पर यहाँ पर अभी दिखा नहीं पा रहे हूँ, जबकि हर पूजा में दिखाती हूँ मैं। बिछाने के लिए वस्त्र लाल होना चाहिए माता के लिए, रेशमी या कुछ भी वस्त्र। और उसके बाद ये सब दिखा दी, फिर ये देखिए ये है कलश। कलश तमाम माताएं बहनें बोलती हैं कि हम कलश नहीं रखते, कलश रख के पूजा नहीं करते, कलश रखने में हमको बहुत त्रिटिम्मा लगता है, लेकिन कलश के बिना पूजा अधूरी होती है। ये है श्री कलश। कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाना है, कलश के अंदर गंगा जल, फिर साधारण जल, सुपारी, हल्दी, सिक्का और अच्छत डालना है। और ये श्रीफल है, इसमें जल भरा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसमें जल है, यही पूजा वाला नारियल होता है, सूखा नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए ये रक्षा सूत्र, जनेऊ, श्री कलश को चढ़ाया गया है। और इसी प्रकार से आप कलश तैयार करें और चौकी पर स्थापना करें, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर स्थापित करी हूँ मैं गौरी और गणेश, आप इनको ध्यान से देखें। ये गौरी मैया हैं, गोबर की बनी हुई, थोड़ा सा तिरछा करूँगी तब दिखेगा। ये है गणेश जी जो सुपारी के बने हुए हैं, पीले चावल और गुलाब के पंखुड़ियों के साथ स्थापित करी हूँ। ये भी चौकी पर स्थापित होगा, जैसे तमाम बहनें बोलती हैं कि उनके पास गाय का गोबर कहाँ से मिले, नहीं मिलता। तो ये गौरी आप हल्दी से बना सकती हैं, किचन की हल्दी नहीं, साफ़ हल्दी होनी चाहिए, जिसमें किचन के चम्मच में आप मसाला और नमक से छू लेती हैं उसमें नहीं, साफ़ हल्दी से गौरी बना के गणेश जी सुपारी से, देखिए बनाई हूँ कलावा से बनाई हूँ गणेश जी को, ऐसे स्थापना करें। ये हो गया सबसे मुख्य पूजन। ऋतु फल किसको बोलते हैं, जिस ऋतु में फल उपलब्ध हो उसको बोलते हैं ऋतु फल। ये है सीताफल, ये है बीही, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं हम लोग अमरूद बोलते हैं। केला 12 महीना मिलता है, सेब अनार 12 महीना मिलता है। तो जो भी फल उपलब्ध है ऋतु में उसको आप ले आए। तो ये देखिए ये है सिंघाड़ा, इसको भी फल ही बोलते हैं, सभी व्रतों में खाया जाता है, ये गुलाबी सिंघाड़ा और हरा सिंघाड़ा, इसको भी माता को चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये भी नदियों में होता है, माता को नदियों का सभी चीज़ बहुत प्रिय है। शकरकंद, इसको भी फल मानते हैं, ये भी व्रत में खाया जाता है, आपको दिखा रही हूँ। ये है दूध की मिठाई, यानी खोए की मिठाई, ये मिष्ठान में है। ये है मूँगफली, ये भी व्रत में खाया जाता है, माता को भी चढ़ाया जाता है, आपको दिखा रही हूँ। ये है धान की लाई, जो मुर्रा लाई हम लोग खाते हैं वो नहीं, ये धान की लाई, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं रहता, ये भी माता को पसंद है। ये है रेवड़ी, ये भी माता को चढ़ाया जाता है। ये है बतासा, ये भी माता को चढ़ाया जाता है। ये है मेवे वाला सोहन पपड़ी, ये भी भोग लगाए माता को। और ये है मेवा और मिश्री, इसको बोलते हैं, ये भी माता को भोग लगाए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सभी चीज़ें हैं भोग की, जैसे कि पूजा की दिखाई उसी तरीके से। ये है लक्ष्मी जी का पुस्तक, यानी जो कि दीपावली के पूजन के बाद हम पढ़ते हैं, इसमें कहानियाँ वगैरह हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, माँ सरस्वती जी का, ये है पुस्तक। तो इसको भी हम यहाँ रखें, मतलब पुस्तक भी आप मंगवा लें अगर आपके पास नहीं है। लक्ष्मी गणेश जी का फ़ोटो है, अगर विष्णु जी का फ़ोटो है तो ठीक है, या मूर्ति नया नहीं लाना है, है तो वही उसकी पूजा करें। तो अब आती हूँ फूल के ऊपर।
तो पुष्पों में माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि विष्णु को कमल बहुत प्रिय है, क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। जो भी चीज़ें जल की हों ज़्यादा प्रिय हैं तो ये है कमल, गुलाबी कमल। तो इसको भी व्यवस्था करें, हमारे पास में तालाब में बहुत सारे कमल हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ रख देती हूँ। आप जब लक्ष्मी पूजन करें तो माता को कमल ज़रूर चढ़ाएँ। उसके बाद ये है पुष्पहार, ये देखिए ये पुष्पहार है। तो मैं सिर्फ आप दिखा रही हूँ कि पूजन में क्या क्या लगता है, ये सब चीज़ें मैं बना के रखी हूँ। तो इसको मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, ये ढेर सारे आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये है गुलाब का फूल, जो कि बहुत वैभवपूर्ण पूजा में ये सब लगता है। जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि माँ लक्ष्मी का पूजन बहुत वैभवपूर्ण करना चाहिए। तो ये है गुलाब, तो ये गुलाब भी यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए ढेर सारा। और ये बाकी सभी पुष्प हैं, आप देखोगे कि पूजन में हाथ में लेने के लिए सब पुष्पों का ज़रूरत होता है, तो सब पुष्प आप मंगवा के रखें। और पूजा में क्या क्या लगता है आप देखें। ये है इत्र, देसी इत्र है जो कि पूजन में लगता है। ये है रुई, इस रुई में इत्र लगा के माता को अर्पण किया जाता है, यानी माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश जी, माँ गौरी मैया को, सभी को अर्पण किया जाएगा। ये है पिसी हुई हल्दी, हल्दी चावल रंगने के पूजा में आप इसको भी मंगवाएं, किचन का जूठा हल्दी इस्तेमाल न करें। ये है केसर, जैसे कि मैं बताई हूँ स्वर्ण तिलक, माता लक्ष्मी को, भगवान श्री हरि विष्णु को, जो भी देवी देवता आवाहित हैं उनको स्वर्ण तिलक पहले आप हल्दी को गीला करके लगाएंगे तो इसमें केसर लगाएंगे तो इसको मानते हैं औषधीय सोना। ये है साबूत चावल, पूजा पाठ ऐसे ही नहीं होता, खेल तमाशा नहीं, साबूत यानी एक भी टूटा हुआ चावल नहीं हो, इसी को रंग के यानी तीन बार पहले धुलेंगे इसको देवताओं को चढ़ाने के लिए चावल, फिर इसमें हल्दी लगा के फिर हम हाथ में लेकर, हाथ जोड़ेंगे नहीं, हाथ में लेकर ऐसे करके माता का पूजन करेंगे। ये है कुमकुम, इसको भी मंगाएं बाजार से। ये है बंदन सिंदूर, जो कि श्री भगवान गणेश जी के सहित सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, श्री बजरंग बली जी को भी इसका चोला चढ़ता है। ये है रक्षा सूत्र, इसको भी मंगवाएं, जैसे कलश वगैरह में सभी देवी देवताओं को चढ़ता है ये। ये है जनेऊ, कलश में पहले चढ़ा दिए हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को, गणपति जी को जनेऊ भी अर्पण किया जाएगा, जनेऊ भी मंगवाएं। ये है कपूर, माँ लक्ष्मी जी के आरती तो करना नहीं है, पंच दीपक शूटिंग में कपूर जलाएं। ये है फूल, और इसको हम निकाल दिए तो बिना फूल के हो गई, तो बिना फूल के लौंग नहीं चढ़ती, फूल वाली लौंग देवताओं को दो करके चढ़ाना है। छोटी इलायची भी लाना है बाजार से, सभी मतलब जो मैं दिखा रही हूँ उसका आप लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाने के बाद ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही पूजा की सामग्री बहुत गंभीरता से दिखा रही हूँ। आप लोग बोलते हैं पूजा का नारियल कैसे होता है, पूजा की हल्दी कैसे होती है, तो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है पूजा की हल्दी, यानी एक हल्दी आमा हल्दी आती है, वो अंडे के आकार की होती है, वो पूजा की हल्दी नहीं है, ये पूजा की हल्दी है। ये देखिए, ये लंबी लंबी हल्दी है, ये पूजा की हल्दी है, यही हल्दी कलश में पड़ती है और इसी हल्दी को पीस के पूजा में यूज करते हैं। तो आप पूजा की हल्दी मंगाए जो कि कलश में डाला हुआ है, मैं डाल के दिखाई हूँ, आपको डालना है। ये है छोटी सुपारी, जो कि मध्यम है, इससे भी छोटी सुपारी आती है, बहुत छोटी छोटी, जो कि देवी देवताओं को ही चढ़ाई जाती, बहुत कोमल होती है वो। ये दो पान पर दो लौंग और दो इलायची ऐसे रख के सब भोग लगाने के बाद अंत में मुख शुद्धि के लिए देवताओं को चढ़ाया जाता है। पान भी मंगाइए, जितने देवी देवता हैं सभी के लिए दो दो पान। ये फल में, ये श्री फल भी चढ़ाया जाता है, इस फल को आप तोड़ के खा सकते हो, ये फल को। अब ये देखिए, ये है दुर्वा घास, दुर्वा घास किसको चढ़ेगा, भगवान श्री गणेश जी को। यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी स्थापित हैं, ये दुर्वा घास की भी व्यवस्था करें, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, दुर्वा घास भी आप लाइए। भोग में ये ड्राई फ्रूट यानी कि पंचमेवा, सूखे मेवे भी चढ़ाए जाते हैं। पंचमेवा में ये है किशमिश, नारियल सूखा, छुहारा और ये बादाम और ये काजू, पंचमेवा। ये है गंगा जल, साधारण जल और गंगा जल दोनों पूजा में लगता है, गंगा जल नहीं है तो आप ताज़ा साधारण जल से भी पूजन कर सकती हैं। जैसे कि ये सप्तदीप दान करके दिखा दी हूँ, ये है 21 दियली, यानी सात दिया माँ लक्ष्मी के लिए,
फिर बाकी जैसे कि पीपल है, आंवला है, तुलसी है, देवस्थान है, जल स्रोत है, इन सब जगहों पर घी का दीपक, ये देखिए नई दिल्ली है, इसको धो के यानी 2-3 घंटा पानी में डुबा के धो के रखा जाता है, इसकी व्यवस्था करें आप। ये है घी, शुद्ध घी गाय का, अगर नहीं है तो तिल के तेल का भी दीपक जलाना चाहिए, देवताओं के लिए घी का दीप ही जलाना चाहिए। घी की व्यवस्था, ये है रूई की बत्ती, ये माचिस, ये सभी चीज़ें आप व्यवस्था करके रखें। और ये है माता के लिए वस्त्र, ये देखिए, ये माँ महालक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र चढ़ाना है, ये है भगवान श्री विष्णु जी के लिए पीला वस्त्र, जैसे गमछा वगैरह कुछ भी आप चढ़ा दें। फिर उपवस्त्र है माता के लिए ओढ़ाने के लिए, ऐसे कि यहाँ पर पूजा करी हूँ मैं तो ऐसे माता को ओढ़ा सकते हैं, ऐसे दिखाई मुझे पूजा करके। और ये है चौकी पर बिछाने के लिए वस्त्र, जैसे चौकी पर पहले बिछा के माता का आसन करेंगे, फिर उस पर अष्टदल कमल बनाएंगे, फोटो रखेंगे, कलश रखेंगे, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ रख देती हूँ, ये आप सब नोट कर लें, सभी चीज़ें दीपावली में मंगाएं तो आपको हड़बड़ी नहीं होगी। ये है 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार में सभी चीज़ें हैं, जैसे सिंदूरिया है, चूड़ी है, कंघी है, आईना है, और ये कुछ आभूषण है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जैसे कि नया आभूषण खरीदे तो हम लोग क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं दीपावली आएगी तो माता को चढ़ा के फिर हम पहनेंगे, तो ये आभूषण है, अगर नहीं है नया तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप माता को चढ़ा के फिर आप पहने प्रसाद के रूप में। तो भी माँ लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, बेलपत्र भी नहीं हो पाया है अभी, जब ये मैं शूटिंग करके दिखा रही हूँ बता दे रही हूँ जो जो नहीं है, केला का पत्ती, बेलपत्री और आम की पत्ती, अशोक की पत्र तो है, अशोक की पत्ती है, आम की पत्ती तोरण बनाने के लिए, द्वार पर सजाने के लिए। माँ लक्ष्मी जी के कलश में सर्व औषधि डलती है जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, पूजा घर में होगा, अभी मैं शूटिंग कर नहीं दिखा पाई हूँ। ये देखिए चूड़ियाँ हैं, तो नई चूड़ियाँ हैं, इसको माता को चढ़ाएं फिर खुद पहने, घर में किसी को दें, बाहर दान नहीं करना है, माता को चढ़ाया हुआ चीज़ें, ये देखिए, तो इसको यहाँ रख देते हैं। जो भी नई चीज़ें हैं माँ को चढ़ा सकते हैं, ये है लाल चूड़ियाँ, ये तो लाल चूड़ियाँ भी माता को चढ़ाएं खुद पहने, ये है काजल, काजल भी 16 श्रृंगार में आता है, इत्र है, देसी इत्र, स्प्रे वगैरह नहीं, बहुत तीव्र उसका गंध रहता है, ये बहुत सुगंधित रहता है, बहुत ही मन को मोहने वाला गंध है ये इत्र, ये देखिए इसको चढ़ाएं माता को। ये है नाखून पॉलिश, ये है लिपस्टिक, ये सभी 16 श्रृंगार में आते हैं, इसको चढ़ाएं, घर में जो भी महिलाएं हैं उनको दे सकती हैं, खुद आप यूज कर सकती हैं। ये है लाल बिंदी, कुमकुम, ये मेहंदी, ये देखिए, तो मैं दिखा रही हूँ, हमारे पास भी सब चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, जो हैं उनको दिखा रही हूँ, बाल में लगाने वाला, ये देखिए, ये बिंदी है, जैसे कि बिंदी कई को चढ़ाते हैं, जैसे इसलिए कई को चढ़ाते हैं कि घर में दे भी सकें, ये देखिए बिंदी, इसमें ये मैं थैली में सिक्का लाई हूँ, ये इस साल का सिक्का है, ये देखिए ये बड़ा सिक्का है, ये देखिए, तो इसका भी मतलब हर साल ले आ कर रख लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, बहुत सारे सिक्के हो गए हैं, तो एक तरह से ये सेविंग भी हो जाता है चांदी का सिक्का खरीदने से, देखिए नया चांदी का, इसको भी माँ को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद फिर खुद आप यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर माता को हम बैठाए हैं, यहाँ रख देते हैं बिछुआ को, और ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाई हूँ, ये सभी श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं ये सब दिखा चुकी हूँ। ये है मीठा पान, 16 श्रृंगार में ये भी आता है, मीठा पान, चोली, लाल चुनरी, ये सभी आते हैं, महावर, जो कि महावर भी उपलब्ध नहीं है, तो ये मीठा पान भी चढ़ा के आप खुद खा सकती हैं। ये जो धान की लाई हम लाए तो इसको साफ़ किए हैं, इसमें छिलके रहते हैं, देवी देवताओं को जब भी कुछ चढ़ाएं तो बहुत ही शुद्धता और सफाई से इसको साफ़ किए हैं, ये धान की लाई को। तो इसी तरीके से आपको मैं बारीकी दिखा रही हूँ, पूजा में क्या बारीकी और क्या देवी देवता से हमारा संबंध है, क्या कितनी हम श्रद्धा रखते हैं। ये जो बतासे हैं, जब हम बाज़ार से लाते हैं तो बतासे लाते ले जाते रखते टूट जाते हैं, तो टूटा हुआ बतासा, कटी हुई मिठाइयाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाती, खंडित चीज़ है। देखिए बतासे टूटे हुए हैं, उनको निकाल दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, खा लेंगे, टूटे बतासे भी माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं आपके पास, जो भी उपलब्ध हो माँ लक्ष्मी का आवाहन भगवान विष्णु के साथ करें।
नहीं तो माँ लक्ष्मी को जल्दी रहती है, आपके घर से जल्दी चली जाएंगे। स्थायी रूप से रखना है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी को, जैसे कि हम अपने पति के साथ बच्चों के साथ जाते हैं तो घर जाने की चिंता नहीं रहती कि सब हमारे साथ ही हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को भी आवाहित करें और माता का भी पूजा करें साथ में, तो स्थायी रूप से लक्ष्मी आपके यहाँ बनी रहें। पूजन में, क्योंकि आप लोग बोले थे कि पूजन में क्या क्या लगता है बताएं, पिछले साल भी मैं तैयारी करी थी, शूटिंग नहीं हो पाया था, तो इस बार जो भी सामान उपलब्ध हुआ आपको दिखाई हूँ, और आपको जैसे हमको तमाम चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाएँ तो इसे आपको भी जो भी सामान उपलब्ध न हो पाए तो आप मायूस न हो, आपके पास जो भी है श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। जैसे कि ध्यानु जी माँ ज्वाला जी के परम भक्त थे, जब उनका परीक्षा अकबर लेना चाहा तो ध्यानु जी को बिल्कुल नहीं पता था, वो बिल्कुल किसी लोभ से लालच से नहीं कि हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो माता हमको बचाएंगे कुछ करें, कुछ नहीं, वो सच्चे भक्त थे। इसलिए वो जब उनकी परीक्षा लेना चाहा अकबर, तो माँ ज्वाला जी उनके घोड़े के कटे हुए शीश को जोड़ के और उनके जो श्रद्धा भक्ति का उनके जो परिचय था वो माँ ज्वाला जी दिए हैं। तो जब भी आप पूजा करें तो भगवान को ये सोच के पूजा करें कि भगवान आपके सन्मुख हैं, सामने हैं, और भगवान भी यही सोच के पूजा स्वीकार करते हैं कि हमारा भक्त तन मन से हमारा भक्त है। तो आपको वीडियो नहीं मिलते, आप सभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपको हमारे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, जैसे मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो बोलते हैं आप इतने दिन कहाँ थी, आपका वीडियो अभी आया, हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, हम चाहे जहाँ भी रहें वीडियो हमारा आपके पास जा रहा है। आप जब चैनल सब्सक्राइब करें तो आल का ऑप्शन आता है, उसको आप सेलेक्ट करें तो आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे, क्योंकि ये जो पंच पर्व हैं इनके सभी वीडियो आगे, जैसे दीपावली पूजन को दे दी आसान जिंदगी में, पहले दीपावली पूजन करके दिखाई हूँ, सभी वीडियो हैं उसको सर्च करके देखें। इसके बाद जो भी पर्व आएंगे, भाई दूज, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, आंवला नवमी, सभी के वीडियो आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब के समय आल का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।